कला विनिमय प्रणाली एक नए युग का सूर्योदय, कला का निवेश एवं मुद्रा रूप में प्रयोग। हमें अपनी मातृभूमि से कला और संस्कृति विरासत में प्राप्त हुई है। असंख्य कलाओं की ये धरोहर है, परंतु एक युवा कलाकार की कृतियों का केवल उनके सौंदर्य मूल पर आकलन होता है और उसकी कला का कार्यक्षेत्र केवल ऑफिस, घर एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्य को बढ़ाना समझा जाता है। हालांकि कला का एक और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है, वह है उसका वित्तीय मूल और उसका मुद्रा की तरह प्रयोग। मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप में से किसी ने डिजिटल मुद्राओं को, क्रिप्टो करेंसी, NFT, शेयर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स को देखा है, छूकर महसूस किया है, उनकी गंध ली है, उनकी आवाज सुनी है, उनका स्वाद महसूस किया है? नहीं, क्योंकि ये असंभव है। पर इसके बावजूद भी आप इन सभी वस्तुओं पर आपको भरोसा है, आप इनको लेकर आश्वस्त हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, बाजार ने आपको ऐसा करने को कहा है। और दूसरी ओर भौतिक कला को आप अपनी सभी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, पर फिर भी आपको एक युवा कलाकार की कृतियों में निवेश करना संदेहपूर्ण लगता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि उसकी कला ज़्यादा कीमत योग्य नहीं है। हालांकि ये केवल एक दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण बदला जा सकता है। जब कला कष्ट सहती है तो पूरा राष्ट्र कष्ट सहता है। यह अकेला कारण है कि हमारी मातृभूमि, जो संसार की सबसे ऐतिहासिक भूमि है, आज के युग में लगभग सौंदर्य विहीन एवं यश विहीन हो चुकी है। चलिए हम सब साथ मिलकर इस धरती को एक बार फिर से महान बनाते हैं, कि इसका बोलबाला एक बार फिर पूरे विश्व में हो। कभी मत भूलिए, बाजार हम जनता से चलता है, हम बाजार से नहीं। हम सब भी बाजार का हिस्सा हैं। यह हमारा अधिकार है कि हम फैसला करें कि कौन सी वस्तु कीमत योग्य है और कौन सी नहीं। यह फैसला केवल बैंक और मार्केट पर मत छोड़िए, क्योंकि बैंक अक्सर फेल हो जाते हैं और बाजार डूब जाता है, पर कला आपको कभी धोखा नहीं देगी। मुद्रा के रूप समय के साथ बदलते रहते हैं। दुनिया वस्तु विनिमय यानी बाटे सिस्टम से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे धातु के सिक्के चलन में आए, फिर कागजी मुद्राओं का चलन हुआ, फिर प्लास्टिक कार्ड, और अब डिजिटल अदृश्य मुद्रा आ चुकी है, यानी इनविजिबल डिजिटल मनी। कौन जाने कल क्या होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं ये हो क्या रहा है? पैसा एक विचार के रूप में शुरू हुआ और पुनः अपने मूल अस्तित्व की ओर पहुंच चुका है। एक जादूगर की तरह बाजार ने हम सभी को एक मैजिक ट्रिक दिखाई, और भरोसा करने के सिवा कोई विकल्प भी तो नहीं है। समय बदल रहा है और बहुत जल्दी बदल रहा है, और हमारी मातृभूमि को फिर से महान बनने के लिए कला का निवास उसकी आत्मा और हृदय में होना चाहिए, प्राचीन काल की तरह। अपने बेटों और बेटियों को बढ़ चढ़कर कलाकार बनाएं। यह आपका अपनी मिट्टी को सबसे बड़ा उपहार एवं योगदान होगा, क्योंकि कला पीढ़ियों, सदियों और युग उपरांत भी जीवित रहती है। एक दौर आएगा जब चित्रकला एवं शिल्पकला आम आदमी के बीच मुद्रा के रूप में सड़कों पर उतर चुकी होगी, और विश्वास करें वो भारत का एक अत्यंत सुंदर युग होगा, एक स्वर्णिम सूर्योदय। सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर हम सभी को सद्मार्ग दिखाएं। आकाश यादव।